Perhaps the most unique feature of हड़प्पन सिविलाइजेशन was the development of urban centers. मतलब ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी फीचर्स को अब तक स्टडी किया गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली हैं, उसमें सबसे यूनिक चीज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी स्टडी में निकल कर आती है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती, वो है अर्बन सेंटर्स का निर्माण या फिर अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट. अर्बन सेंटर्स को अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहना चाहें, आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग कह सकते हैं शहर. या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे यूनिक बात थी वो ये थी कि इसमें शहरों का निर्माण हुआ था. और जब मैं शहर बोलता हूं तो सिर्फ छोटे मोटे शहर नहीं, उस टाइम पीरियड के हिसाब से एक तरीके के महानगर जो है वो बनाए गए थे. ये फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिक इसलिए है क्योंकि जिस तरीके के शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिले, उस तरीके के एडवांस उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस तरीके के जो डेवलप्ड शहर थे, वो हमको कहीं और देखने के लिए उस टाइम पीरियड की किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिलते हैं. तो ये अपने आप में हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक बनाता है और ये पर्टिकुलर फीचर इसको इंटरेस्टिंग एज वेल एज फैसिनेटिंग बनाता है. क्योंकि जिस तरीके के शहर हड़प्पा वालों ने आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले बनाए थे, उस टाइम पीरियड में किसी और से उस तरीके के शहर बनाते नहीं बने. एंड सबसे एस्टोनिशिंग फैक्ट यह है कि उस वक्त में उस तरीके के कोई शहर कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, प्लस उसके बाद कई हजार सालों तक आपको उस तरीके के शानदार शहर, उस तरीके की एडवांस प्लानिंग एज वेल एज आर्किटेक्चर कहीं और देखने को नहीं मिलता. तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत यूनिक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए हो जाता है. लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदाड़ो, मोर क्लोजली. ऑल्दो मोहनजोदाड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा. तो ये जो अर्बन सेंटर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेवलप हुए, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इन अर्बन सेंटर्स का, वो है मोहनजोदाड़ो. और उसी को हम लोगों को आज के सेशन में डिटेल में पढ़ना है. तो हम लोग इस सेशन में बेसिकली मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अर्बन सेंटर है, जो एक सबसे आप कह सकते हैं बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे. बट एक बात जो अपने को ध्यान में रखनी है कि आज की तारीख में मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है, सबसे वेल नोन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मगर पहली साइट नहीं है. पहली साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, और उसी के नाम पर फिर पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया. तो अपने को अपने मन में शक या गुंजाइश नहीं रखनी है. इसकी जब सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, जो सबसे पहला शहर डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, और उसी के नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन फिर इस शहर का नाम रखा गया. बाद में फिर और भी दूसरी जगह अलग अलग साइट्स डिस्कवर होना शुरू हुई, तो फिर हमको मोहनजोदाड़ो के बारे में पता चला कि मोहनजोदाड़ो सबसे बड़े शहरों में से एक निकला, या सबसे बड़े अर्बन सेंटर्स में से एक निकला. बहुत एडवांस था, बहुत वेल प्लान्ड था. एंड आज की तारीख में जब हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ना होता है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया साइट है स्टडी करने के लिए, वो मोहनजोदाड़ो है. हालांकि पहली साइट जो है वो हड़प्पा है, ये अपने को ध्यान रखनी है बात. ये चले आगे बढ़ते हैं. तो पहले तो मैं आपको मोहनजोदाड़ो शहर का मैप दिखा देता हूं कि मोहनजोदाड़ो शहर का जो मैप है वो कैसा है, या फिर मोहनजोदाड़ो शहर कैसा दिखता था. पूरे के पूरे शहर का प्लान कुछ इस तरीके से है. दो हिस्सों में सेटलमेंट को पूरा बसाया गया था. एक हिस्सा यहां पे हमको देखने को मिलता है, और एक हिस्सा जो ज्यादा बड़ा है वो यहां पे हमको देखने को मिलता है. इनके बारे में हमको बातचीत अभी करनी है. बट ध्यान रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैं जो मोहनजोदाड़ो है, ये मोहनजोदाड़ो जो एक आपका अर्बन सेंटर है, इसका मैप कुछ इस तरीके से नजर आता था. पूरा शहर दो हिस्सों में बसा हुआ था. एक छोटा हिस्सा है जिसको सीटाडेल बोला जाता था, और एक ये बड़ा हिस्सा है जिसको लोअर टाउन बोला जाता था. अब इनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है. तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सीटाडेल की बात करेंगे, हम इस छोटे इलाके की बात कर रहे हैं, और जब भी हम लोग लोअर टाउन की बात करेंगे तो मतलब हम लोग इस बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं. अब इनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो ये अपना मोहनजोदाड़ो शहर का प्लान या फिर मैप हो गया. द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. मतलब ये कि पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक हिस्सा कंपैरेटिवली छोटा है मगर ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है, और एक हिस्सा जो काफी ज्यादा बड़ा है मगर छोटे वाले हिस्से की अपेक्षा वो उतनी हाइट पर नहीं बसा, उसकी अपेक्षा वो थोड़ा सा लोअर लेवल पर बनाया गया. यहां पर भी फिर से एक बार देख लेते हैं इसको. तो ये पूरा का पूरा शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक छोटा हिस्सा जो ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है. ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये छोटा हिस्सा ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है, ठीक है. और ये वाला हिस्सा जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बड़ा है छोटे हिस्से की अपेक्षा, बट ये कंपैरेटिवली उतनी हाइट पर नहीं है, ये लोअर हाइट पर हमको देखने के लिए
मिलता है। तो ये जो ज्यादा बड़ी हाइट पे बसा हुआ क्षेत्र है इसको अपन ने बोला है सीटाडल, और जो उतनी कंपैरेटिवली बड़ी हाइट पे नहीं बसा उसको हम लोगों ने बोला है लोअर टाउन। वही बात यहाँ पे लिखी है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक छोटा है मगर ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है, दूसरा कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है बट कम हाइट पे बसा हुआ है, या फिर उतनी हाइट पर नहीं है जितना छोटा हिस्सा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने आज की तारीख में इनको नाम दे रखा है सीटाडेल एंड लोअर टाउन। हमें ये नहीं पता कि हड़प्पंस ने जब ये शहर बसाया था तब इस छोटे हिस्से को वो लोग क्या बोला करते थे, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है तब इसको इन लोगों ने क्या नाम दिया था। मगर जब हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो शहर को फिर से खोजा और उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी करना शुरू किया, तब उन्होंने अपनी तरफ से ये दो नाम दिए हैं। छोटे हिस्से को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है सीटाडेल, और बड़े वाले हिस्से को बोलना शुरू कर दिया है लोअर टाउन। तो आज ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसको बनाते वक्त में मोहनजोदाड़ो शहर, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो इसको क्या बोलते थे हमें ये नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से इसको नाम क्या दे रखा है सीताडल। इसी तरह ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है जो कम हाइट पे बसा हुआ है इसको बनाते वक्त में हड़प्पन इसको क्या नाम दिया करते थे, या हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इसको क्या बोला करते थे हमें नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम जो दिया है वो है लोअर टाउन। चले आगे बढ़ते हैं। द सीटाडेल ओज इट हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। मतलब ये कि सीटाडेल वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा हाइट पर इसलिए बसा हुआ है क्योंकि वहां पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई उन बिल्डिंग्स को बनाने के पहले एक मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया, मिट्टी की ईंटें थी उसकी मदद से एक प्लेटफॉर्म बना के तैयार किया गया और उसके ऊपर फिर उसकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। तो नेचुरली उसकी जो हाइट थी वो लोअर जो आपका टाउन है उसकी कंपेरिजन में ज्यादा हो गई। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपको कोई एक घर बनाना है, तो आपने सबसे पहले ये किया कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मिट्टी की ईंटों से, चाहे वो पकी हुई ईंटें हैं चाहे वो कच्ची ईंटें हैं, डजेंट मैटर, बट मिट्टी की आपने ईंटें बनाई, मड ब्रिक्स का आपने इस्तेमाल किया और उसकी मदद से एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाकर तैयार किया है इसके ऊपर फिर आपने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया और कंस्ट्रक्शन की मदद से आपने घर बना दिया इस तरीके से। अब ये जो घर आपका बना है इसकी एक्चुअल हाइट तो इतनी ही है, मगर इसके नीचे ये जो मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसकी ओवरऑल हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसी को कंपेयर कर लीजिए एक ऐसा घर जिसको मड ब्रिक्स जिसके जिसके बनाने के पहले आप लोगों ने मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अब अगर आपने उस घर को बनाया है, घर का निर्माण या घर का कंस्ट्रक्शन किया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जिसमें आपने मड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, डायरेक्ट जमीन के ऊपर आपने घर बना दिया, उसकी जो भी हाइट निकल कर आएगी, ये जो घर बनाया गया है जिसके लिए जिसको बनाने के पहले आपने यहाँ पे मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाया था उसकी अपेक्षा कम निकल कर आएगी। अब अगर एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने ऐसा बना दिया, एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने इस तरीके का यहां पे ले लिया, इसमें जितने भी घर बनेंगे उसमें आपने पहले मिट्टी की ईंटों का प्लेटफॉर्म बनाया है और उसके बाद में फिर उन मिट्टी की ईंटों का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा और एक हाइट का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, और एक पूरा का पूरा क्षेत्र आपने ऐसा डेवलप किया जिसमें आपने इस तरीके की मिट्टी की ईंटों का या तो प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, या फिर उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उतनी हाइट का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जितनी हाइट का प्लेटफॉर्म यहां पर है। दूसरी बात यह कि अगर यहां पर जमीन नेचुरली भी एलिवेटेड है और उसके ऊपर आपने मिट्टी की ईंटों का प्लेटफॉर्म बना दिया, तो आपकी हाइट अच्छी खासी बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू ये वाला इलाका जहां पर या तो आप प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे या उतने ऊंचे प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, या फिर जहां पे जमीन एक्चुअल में उतनी एलिवेटेड है भी नहीं। तो इसके चलते हुआ ये कि पूरा का पूरा जो आपका लोअर टाउन है, लोअर टाउन के जो इलाका है उसकी अपेक्षा सीटाडेल ये अच्छी खासी हाइट ले गया, और एक दूर से भी आपको जो है अपेरेंटली डिस्टेंस से भी आपको समझ में आने लगा कि सीटाडेल जो है एक सर्टेन हाइट पे बसा हुआ है या फिर ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है लोअर टाउन के कंपैरिजन में। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है जो यहां पर लिखा गया है कि सीटाडेल जो है ज्यादा हाइट पे बसा हुआ है, और ज्यादा हाइट पर क्यों बसा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग्स को बनाने के पहले मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बनाए गए थे और उसके बाद में फिर मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इनके ऊपर बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया था।
इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. मतलब ये कि पूरा का पूरा जो सीटाडेल बनाया गया था इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स भी बनाई गई थी, इसको बाकी हिस्से से सेपरेट करने के लिए इसके चारों तरफ में बाउंड्री वॉल्स का निर्माण भी किया गया था. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग पॉइंट निकल कर आ रहा है. यानी कि एक तो इस छोटे से इलाके में जो भी बिल्डिंग्स बनी उनको बनाने के पहले बड़े बड़े मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म बनाए और उसके बाद उसको बना के तैयार किया, तो उसके चलते यहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग्स की हाइट यहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग से ज्यादा हो गई. दूसरी बात फिर आपने क्या करी कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में चारों तरफ आपने बाउंड्री बना दी इस वाले हिस्से से फिजिकली सेपरेट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी आप बोलना चाहो. मगर इन दोनों के बीच में ये जमीन का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो लोअर टाउन है सीटाडेल से थोड़ा डिस्टेंस पे बना हुआ है, या फिर सीटाडेल को आपने लोअर टाउन से थोड़ा सा दूरी पे बनाया, वो बात तो दिख ही रही है. मगर उसके बाद भी कि लोगों का शायद आना जाना यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आपने इसके चारों तरफ में एक पूरा वॉल वगैरह बना के इसको फिजिकली भी जो है सेपरेट किया था लोअर टाउन से. तो ये भी अपने को याद रखना है कि ये पूरा का पूरा इलाका वॉल्ड वॉल्ड था और एक सर्टेन हाइट पर देखने को मिलता है, यानी कि इसको फिजिकली लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था. चले आगे बढ़ते हैं. द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड सेवरल बिल्डिंग्स वेर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व एज फाउंडेशन. अब ये जो लोअर टाउन है इसके भी चारों तरफ में आपने इसी तरीके की बाउंड्री वॉल्स बनाई थी, तो इसके भी चारों तरफ में जो है प्रोटेक्शन वगैरह किया था. प्लस यहां पर भी काफी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसको फाउंडेशन पे बनाया गया था. सारी की सारी बिल्डिंग्स में आपको फाउंडेशन देखने को नहीं मिलता कि मिट्टी ईंटों का आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है. कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी यहां पर जिसमें ये किया गया था, मगर मैक्सिमम बिल्डिंग्स में ऐसा नहीं है. तो यहां पर वो बिल्डिंग्स जिनमें आपने मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाकर उनको तैयार किया है, बाकी इनके आसपास की बिल्डिंग की अपेक्षा यहां पर उन बिल्डिंग्स की हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलती है. बट फिर भी कंपैरेटिवली इस वाले हिस्से में आपको उस तरीके की हाइट की बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती है, उतनी हाइट देखने को नहीं मिलती जितनी सीटाडेल में देखने को मिलती है. तो ध्यान रखना है इस बात को कि सीटाडेल के भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी और ये जो लोअर टाउन है इसके भी चारों तरफ में इस तरीके की एक बाउंड्री वॉल बनाकर तैयार की गई थी. और इसमें भी कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके लिए मड ब्रिक्स का एक पूरा आपने प्लेटफॉर्म बनाया जिसने एक फाउंडेशन का या फिर एक नींव का काम किया और उसके ऊपर फिर आपने बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया था. लोअर टाउन में भी उसमें आपने इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई. इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली Just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर. अब जिस तरीके से जिस बड़े लेवल पर बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, चाहे सीटाडेल की बात कर ली जाए चाहे लोअर टाउन की बात कर ली जाए, जिस बड़े लेवल पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस बड़े लेवल पर आपका यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की गई हैं, उस सबको देखने के बाद में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह है कि अगर एक मजदूर को आप 1 मीटर क्यूब के करीब मिट्टी खोदने का काम दो, एक मजदूर 1 मीटर क्यूब के करीब मिट्टी को खोदता है, खोदने के बाद में उसको ले जाकर जिस भी जगह आपको फाउंडेशन के लिए उस मिट्टी को लगाना है वहां पे लगाता है, तो ये काम अगर एक मजदूर इतना इतना 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी को खोद कर फाउंडेशन की जगह पर रख रहा है, तो जितना कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया है उस सारे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए लगभग 4 मिलियन परसेंट डेज की जरूरत पड़ जाएगी. परसेंट डेज का मतलब होता है कि आइडियल कंडीशन में एक मजदूर एक दिन में कितना काम करता है. इन लोगों का कहना यह है कि अगर मोहनजोदाड़ो में जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें आप इस तरीके की व्यवस्था करो कि एक आदमी जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी को खोदेगा और खोद के ले जाकर जहां पर भी कंस्ट्रक्शन करना है वहां पर रखेगा, तो लगभग 4 मिलियन करीब के करीब आपके आदमियों की जरूरत आपको पड़ जाएगी वो फाउंडेशन में जितना मिट्टी या ब्रिक्स लगाई गई है उसको बनाने के लिए. तो यहां से कुल मिलाकर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि मैसिव लेवल पर जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था और इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर आपने मजदूरों का या लेबर का मोबिलाइजेशन किया था. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि समझिएगा इस बात को, आज से 4,500 साल पहले भारत के उपमहाद्वीप में एक जगह पे इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि उस कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन की नींव रखने में आपको आइडियल कंडीशन में अगर एक आदमी 1 मीटर क्यूब के बराबर मिट्टी ढेल रहा है एक से दूसरी जगह पर, तो 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों की जरूरत आपको पड़ जाएगी. इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जमाने में जब उस वक्त की जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके पास में इतने बड़े लेवल पर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की निशानी आपको देखने को नहीं मिलती है. तो ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी है, ये आपको बता
बताता है कि आपके पूर्वज आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले क्या कर रहे थे, जो दुनिया में कहीं पर नहीं हो रहा था, या उस तरीके की चीजें उस वक्त में कहीं पर सोचना भी जो है इंसान के तस्वुर के बाहर है, तब ये सारी गतिविधियां चल रही थी। तो कुल मिलाकर यहां से पॉइंट ये निकल कर आता है, बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था और बहुत बड़े लेवल पर इसमें लोगों को शामिल किया गया था, बहुत मैसिव पॉपुलेशन ने इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा योगदान निभाया है। चलें आगे बढ़ते हैं। कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म्स वेयर इन प्लेस, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स, सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। आगे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अब इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, पहले ये किया गया है कि भाई आपने डिसाइड कर लिया कि एक क्षेत्र में हमको बिल्डिंग्स बनानी है या फिर एक क्षेत्र में हमको कंस्ट्रक्शन करना है। अब वो क्षेत्र चाहे सीटाडेल में हो, वो क्षेत्र चाहे लोअर आपका टाउन में हो, डजंट मैटर, मगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने बाउंड्री बना ली कि इतने इतने इलाकों में अपने को बिल्डिंग्स बनानी है। अब आपने फिर लोगों को लगाया है वहां पे, और हमने भी देखा कि बहुत बड़े लेवल पर अगर हम 1 मीटर क्यूब की वो कंडीशन लेकर चलें तो लगभग 40 लाख लोगों ने जो है ये काम किया है। ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़े लेवल पर आपका जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो सबसे पहले आपने उन लोगों से मिट्टी खुदवाई और उसके बाद ईंटें बनवाई, और ईंटें बनवाने के बाद में फाउंडेशन बनवाए। फाउंडेशन बनाने का काम जब पूरा हो गया, तो फिर जब जिस इलाके में फाउंडेशंस वगैरह बनवाए गए थे उसी इलाके में फिर उन फाउंडेशंस के ऊपर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज करवाई गई। बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले आपने प्लेटफॉर्म्स बनवा लिए, प्लेटफॉर्म बनवाने के बाद में जितने इलाके में प्लेटफॉर्म बनाए गए, फिर उसी इलाके में बिल्डिंग एक्टिविटी को किया गया। इसको समझिए एक बार, मतलब यह है कहने का कि आपने पहले यह डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे जिनको ज्यादा हाइट पे रखना है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर जो है लोगों को मजदूरी पे लगाया और प्लेटफॉर्म बनवाए। फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस इलाके में हमको उतनी हाइट की तो नहीं, मगर हाँ यहाँ पर भी हमको बिल्डिंगें बनवानी है, तो आपने फिर इतने इलाके में लोगों को मजदूरी पे लगाया और यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनवाए। जब एक बार प्लेटफॉर्म यहाँ पर और यहाँ पर बनकर तैयार हो गए, उसके बाद में फिर उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने मकान बनाना या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना शुरू किया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि पहले किसी आदमी ने डिसाइड किया था कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कहां पे कैसी बिल्डिंग बनेगी, उसने वो भी डिसाइड किया था, और वो डिसाइड कर चुकने के बाद में उसने फिर वहां पर उस सर्टेन इलाके में पहले फाउंडेशन बनवाए और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराई। कहने का मतलब यह है कि यह पूरा का पूरा सोची समझे तरीके से किया गया था, पूरे के पूरी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी प्लान्ड थी, एक एक चीज को जो है प्लान कर करवाया गया था। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर किसी आदमी ने आके एक झोपड़ी बना ली और फिर वक्त के साथ में उसने झोपड़ी को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिर उसके बाद उसने उस झोपड़ी की जगह पे एक थोड़ा पक्का मकान बना लिया और फिर बाद में उस पक्के मकान को और ज्यादा बड़ा कर दिया। ये हरकत नहीं हुई है, पूरी की पूरी वर्जिन जमीन के ऊपर किसी ने पहले इमेजिन किया था कि यहां पर अपने को ये कुछ बनाना है या कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद में उसने बकायदा प्लानिंग के साथ में डायरेक्शन देकर बड़े लेवल पर लोगों को मजदूरी पर वहां पर लगवाया। दो स्पेसिफिक जगहों पर उसने फिर पहले फाउंडेशन बनवाए, एक बार फाउंडेशन बन चुकने के बाद में उसी फाउंडेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की गई। ये क्लियर कट एक प्रमाण है, ये क्लियर कट एक एविडेंस है इस बात का कि पूरी की पूरी बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी वो प्लानिंग कर की गई थी। ये पूरा का पूरा सेटलमेंट प्लान करके बसाया था, पहले किसी ने इसके बारे में सोचा था, सोचने के बाद में इस पूरी की पूरी गतिविधि को करवाया गया था। और यह बात ध्यान में रखने की है कि 4,500 साल पहले ये सारा का सारा काम हो रहा है, मतलब भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हुए थे जिन्होंने 4,500 साल पहले प्लानिंग कर करके उसके बाद में इतने बड़े बड़े लेवल पर ऐसे मैसिव मेगा सिटीज को, ऐसे मैसिव शहरों को बनाया था। ये फोटोग्राफ जरा ध्यान से देखिए, अब इस फोटोग्राफ में हमको ये देखने को मिलता है कि एक रोड जा रही है यहां से, इस रोड के एक तरफ एक बकायदा ऑर्डर्ड किस्म का कंस्ट्रक्शन है, मकान वगैरह के कुछ अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं, इस रोड के एक तरफ भी कंस्ट्रक्शन के कुछ अवशेष देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए, इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि यह सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बड़े ऑर्डर में किया गया है। यानी कि जिस किसी ने भी इस पूरे के पूरे इलाके को बसाया था उसको पहले से पता था कि इसको किस तरीके के पैटर्न में जो है कंस्ट्रक्शन करना है, और अकॉर्डिंगली उसी पैटर्न में जो है सारा का सारा काम किया गया है। ये फिर एक अकाट्य प्रमाण है इस बात का कि भाई यहां पर प्लानिंग के साथ में काम किया गया है, पूरा का पूरा शहर प्लान करके बसाया गया था। ये सोचा नहीं जा सकता कि 4,500 साल पहले आदमी इस तरीके की बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स वगैरह प्लानिंग के साथ में बनाएगा, क्योंकि उस जमाने में हो यह रहा था कि आदमी एक से दूसरी जगह घूम रहा था, कहीं पर कुछ वक्त तक के लिए रुक गया, अगर उसने रहना भी है वहां पर तो अपनी झोपड़ी डाल ली, और वक्त के साथ में 100-500 सालों में 1,000 सालों में झोपड़ी होते होते एक ठीक ठाक छोटा मोटा गांव या छोटा मोटा शहर बन गया, जो जिसको देखकर समझ में आ जाता था कि वो प्लान नहीं है,
यहाँ पे दिख रहा है कि पहले जैसे अपने आज की तारीख में मॉडर्न टाउनशिप में होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट बनाए जाते हैं और फिर वो फ्लैट बेचे जाते हैं, लगभग उसी तरीके से किसी ने पूरे इलाके में फाउंडेशन बनवा के कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करवाई है और उसकी यूनिफॉर्मिटी आपको समझ में आ रही है कि घर सारे के सारे जो घर है वो एक जैसे हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी जो है कंस्ट्रक्शन में वो देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत डिसाइसिव एविडेंस है इस पूरी की पूरी बात का और यहीं से कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को जो है एक प्रमाण मिलता है, इस पूरी चीज का प्रमाण मिलता है कि ये पूरी एक्टिविटी जो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो है प्लान करके करवाई गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और वही यहाँ पे लिखा है कि देखकर समझ में आता है इस चीज को जब आप क्लोज स्टडी करते हो कि पूरा का पूरा सेटलमेंट पहले प्लान किया गया था, किसी ने मन में सोचा था, उसके बाद उसने अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाया था और उसके बाद में इसको बनाया गया और फिर लोगों को यहाँ पे बसाया गया है, यानी कि यहाँ पे किसी के इंस्ट्रक्शन में किसी के अथॉरिटी में काम हो रहा था। और ये तब की बात है जब किसी दूसरी जगहों पर सिविलाइजेशन के नामों निशान नहीं थे, या सिविलाइजेशन अगर थी तो शुरुआती फेजेस में थी। शहर बसाना दूर की बात है, मेगा शहर बसाना और प्लानिंग के साथ में बसाना तस्वुर में नहीं लाया जा सकता था, सोचा नहीं जा सकता था। चले आगे बढ़ते हैं। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड वेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशो। ये जो अब हम लोगों ने फोटोग्राफ देखी और जिससे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग करके कंस्ट्रक्शन किया गया था, ये सिर्फ एक फोटोग्राफ एकमात्र एविडेंस नहीं है जिससे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर प्लांट सेटलमेंट्स बसाए गए थे। इसके अलावा और स्टडी की गई है और अपने पास में एविडेंसेस निकल कर आए जिससे ये बात और ज्यादा साबित होती है अकाट्य तरीके से कि हड़प्पन में कोई तो थे लोग, कोई तो एक आदमी था या कोई ज्यादा एक से ज्यादा लोग थे जिन्होंने सोच समझ के आपका प्लानिंग के साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया है। उसके और भी एविडेंसेस मिले हैं। एक और जो जबरदस्त एविडेंस यहाँ पे मिलता है वो है ईटें। यहाँ कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मिट्टी की ईटें आपने बनाकर उनको सूरज में सुखा लिया हो धूप में और उसके बाद इस्तेमाल किया हो, चाहे मिट्टी की ईटें बनाने के बाद में आपने उनको सुखाया पहले सूरज में और उसके बाद में आपने उनको आग में पकाया भट्टी में और उसके बाद इस्तेमाल किया हो, डजंट मैटर कौन सी ईट है, चाहे वो आपका सन ड्राइड है यानी कि सूरज में सुखाई गई ईटें हैं या फिर आग की भट्टी में पकाई गई ईटें हैं, किसी भी तरीके की ईटें हों मगर कंस्ट्रक्शन में हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो में जितनी भी आपकी ये ईटें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी ईटें स्टैंडर्डाइज रेशो की हैं। ये ईटें मतलब इस तरीके से बनाई गई हैं कि इनकी जो लेंथ है वो इनकी हाइट का 4 गुना है और इनकी ब्रेथ जो है वो इनकी हाइट का 2 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदाड़ो में जितनी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं किसी भी तरीके की हों, धूप में सुखा के इस्तेमाल कर लो, धूप में सुखाने के बाद आग की भट्टी में पकाकर कंस्ट्रक्शन में लगाई गई हो, डजंट मैटर, बट हर जगह कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है कि आपकी जो लेंथ है वो हाइट का 4 गुना है और ब्रेथ जो है वो हाइट का 2 गुना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको मैप इसको मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं। देखिए मतलब यह कि हड़प्पा वालों ने चाहे इतनी बड़ी ईट का इस्तेमाल किया हो, चाहे इतनी बड़ी ईट का इस्तेमाल किया हो, चाहे इतनी छोटी ईट का इस्तेमाल किया हो, डजंट मैटर, किसी भी ईट का इस्तेमाल किया हो, उन्होंने एक बात का ध्यान रखा था कि हमें यह प्रपोर्शन लेकर चलना है कि अगर हमारी हाइट लेट से एच के बराबर है या फिर अगर लेट से हमारी हाइट जो है ईट की वो एक्स के बराबर है तो जो लेंथ होगी इस ईट की वो कितनी होगी, इस एक्स का 4 गुना यानी कि 4x, और इसकी जो विड्थ रखी जाएगी यानी कि ये जो ब्रेथ निकल के इसका आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा इस हाइट का 2 गुना। अब चाहे आप इतनी बड़ी ईट बना लो, चाहे आप छोटी सी ईट बना लो, चाहे आप किसी भी साइज या शेप की ईट बना लो, उसमें इस पर्टिकुलर प्रपोर्शन को फॉलो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर सीवीटी में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है या फिर अगर लिखने के लिए आया तो फिर आपको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना ही करना है, इससे आपको बकायदा मार्क्स मिलेंगे। अब ये तक सोचना कि भाई इस प्रपोर्शन में ही इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हड़प्पा वालों को इंजीनियरिंग का ठीक ठाक नॉलेज था, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में ये एक अच्छा खासा महारत हासिल कर चुके थे आज से 4,500 साल पहले। नहीं तो ये सोचना कि यार एक जैसी ईंटें बनानी है तो उस वक्त तो आदमी एक जैसी ईंटें बनाने के लिए ये करेगा ना कि भाई एक जैसी दिखती रहें, थोड़ा बहुत इधर उधर का डिफरेंस आ जाए तो चल जाएगा। अपने पूर्वज क्या कर रहे थे इस जमाने में, ऐसी ईंटें बना रहे थे जिनकी लेंथ उसकी हाइट का एग्जैक्टली 4 गुना है और उसकी विड्थ या फिर उसकी जो ब्रेथ है उसकी हाइट का एग्जैक्टली 2 गुना है। इस प्रपोर्शन की ईंटें बना बनाकर अलग अलग शेप और साइज में इस्तेमाल की जा रही थी। ये अपने आप में हमको ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर जो है प्लानिंग थी, कहीं पे बहुत बड़े लेवल पर आपके पास में नॉलेज था और बहुत एडवांस नॉलेज था कंस्ट्रक्शन का जिसका इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ मोहनजोदाड़ो की बात नहीं है कि आपको मोहनजोदाड़ो में इस तरीके की ईंटें देखने को मिल रही हो, इस तरीके की ईंटें पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां जहां आप चले जाओ अगर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं तो हर जगह इस प्रपोर्शन की ईंटें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये
कई तीन ईंटें हैं जो मोहनजोदाड़ो से या हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग जो साइट्स हैं वहां से हमको मिली हैं। अब इन ईंटों को आप कंपेयर कर लीजिए, ये सारी की सारी ईंटें, ये देखिए 4 साढ़े 4 हजार साल बाद के बाद भी आज की तारीख में कितनी बढ़िया हालत में, ये ईंटें भी इतनी इतने हजारों सालों बाद भी इतनी बढ़िया स्थिति में हमको देखने को मिल रही है। ये ईंट भी जो है वहीं से हड़प्पन साइट से ही हमको मिली है। हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलती है कि ये जो भी हाइट है इसकी, अगर हमने एक्स मान लिया तो ये जो लेंथ है ये उसका हमेशा 4 गुना होगा, और ये जो विड्थ है वो हमेशा उसका 2 गुना होगा। और इसके अलावा इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि इतने सालों, इतने हजार साल बाद भी जो ये इतनी अच्छी तरीके से वेल प्रिजर्व कंडीशन में, हर सेटलमेंट में, मोहनजोदाड़ो की ही बात नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी सेटलमेंट में चले जाओ, राखीगढ़ी में चले जाओ, धोलवीरा में चले जाओ, कालीबंगन में चले जाओ, शोरदुगई में चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, हर जगह इसी तरीके की ईंटें, इसी स्टैंडर्डाइज रेशो की ईंटें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की गई हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में कंस्ट्रक्शन के जो पैरामीटर्स थे, कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी थी, और यह भी अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग बात के तौर पर निकल कर आता है। अब इन ईंटों की मदद से जो बनी हुई आपकी दीवार है उसकी फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, ये इतने हजार सालों के बाद भी इतनी अच्छी स्थिति में हमको देखने के लिए मिल रही है। और ये ईट एक जो बाहर की तरफ में लगी हुई थी किसी कंस्ट्रक्शन में, उसमें अब देखिए 4 साढ़े 4 हजार साल तक इतने मौसम के थपेड़े खाने के बाद भी ये ईट कितनी अच्छी हालत में, इसको देखकर कोई सपने में नहीं सोच के बोल सकता कि यार ये 4 साढ़े 4 हजार साल पुरानी ईट है और कंस्ट्रक्शन में इतने हजार साल पहले इस्तेमाल हो रही थी, मगर कितनी बढ़िया स्थिति में है। इससे ये भी समझ में आता है कि ना सिर्फ इसका शेप साइज और इसके सिर्फ शेप साइज के बारे में हड़प्पा वालों को अच्छी नॉलेज थी, मगर क्वालिटी की ईटें कैसे बनानी है, क्वालिटी की ब्रिक्स किस तरीके से बनानी है जिसकी मदद से बनाया गया आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो टिके और हजारों साल तक टिक जाए। हालांकि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने हजार साल तक टिक जाएगा, मगर वो टिके और लंबे वक्त तक टिके, इसकी भी नॉलेज इन लोगों के पास में थी। और ये हड़प्पा की पूरी सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो की जो केस स्टडी है इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब ये फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाया है, ये सीटाडेल की एक बिल्डिंग है, सीटाडेल का जो इलाका था वहां की बिल्डिंग है। अब उसमें देखिए सीटाडेल की इस बिल्डिंग में इन ईंटों को जोड़ के पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया, और ये सारा कंस्ट्रक्शन 4,500 साल पुराना है, देखकर नहीं बोल सकता कोई ये 4,500 साल पुराना है। इतनी बढ़िया स्थिति में ये पूरा का पूरा जो है मॉन्यूमेंट रखा हुआ है, इतनी बढ़िया स्थिति में ये आज की तारीख में जो है प्रिजर्व्ड है। तो ये अपने आप में एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, और ये कहीं ना कहीं लोहा मानने पर मजबूर करता है हमें हड़प्पन्स के इंजीनियरिंग का, हड़प्पन्स की कंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटीज का, और उनके पास में जो नॉलेज था उसका, और कहीं ना कहीं उनकी जो ईंटों को बनाने का और ईंटों, उन बनाई हुई ईंटों की मदद से कंस्ट्रक्शनल करने की उनकी जो कैपेबिलिटीज थी उसका। चले आगे बढ़ते हैं।